तो दोस्तों टेक्निकल तड़का की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बिल्कुल सीरियस होकर बात करूंगा, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी। अगर आप इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके परिवार के साथ, आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ फ्रॉड होने से बच सके, आप बच सको, उनके साथ कभी फ्रॉड ना हो। अभी मार्केट में दोस्तों न्यू फ्रॉड बहुत सारे चलते रहते हैं और अभी एक न्यू फ्रॉड आया है 24shop.com के, मतलब 24shops.com की तरफ से। तो वो अभी क्या फ्रॉड कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं उनका मेरे पास कॉल आता है, जब मैं कल वीडियो शूट करने वाला था तभी उनका मेरे पास कॉल आता है। तो हम दो जने बैठे थे हमारे स्टूडियो में, तो मैंने उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और दो मिनट बाद में रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट की जब मुझे लगा कि ये फेक कॉल है। तो फिर मैं आपको वो रिकॉर्डिंग तो सुनाई दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी उनसे बात क्या हुई थी। तो जो दो मिनट में बात हुई थी मैं आपको समझा देता हूँ। वो बोल रहे थे कि हम 24shops.com से बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी अभी मार्केट में अभी न्यू न्यू आई है और आपके नंबर हमने अदर जो कंपनी है, शॉपिंग वेबसाइट है, अभी एप्लीकेशन है, उनकी तरफ से लिया है, क्योंकि आप एक ऐसे कस्टमर हो जो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, रिचार्ज वगैरह करते हो, तो इसीलिए आप हमारे लकी दस्ट कस्टमर में से एक हो गए हो, तो आपको हमारी तरफ से कुछ प्राइज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनका जवाब था कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको मिलेगा मारुति जो पता नहीं मारुति सुजुकी ऐसे कोई कार का नाम लिया था। इसके बाद में उन्होंने सेकंड का बोला था, जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बुलेट आती है वो उसका बोला, एंड थर्ड पे बोला था आपको एक स्कूटी मिल सकती है। और उन्होंने बोला कि अगर आप बाई चांस नहीं आते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको हमारी कंपनी के थ्रू 50,000 रुपये मिल जाएंगे। फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, बाकी की मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनाई दूंगा। तो काफ़ी मतलब मज़े लेने की कोशिश की मैंने एक तरह से उनके। और अगर आपके पास भी कॉल आता है तो आपको सबसे पहले वो पूछेंगे कि सर आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर जो अदर शॉपिंग वेबसाइट है उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ये इनका पहला सवाल होता है। तो मैंने सोचा कोई आया होगा या फिर जो कि फीडबैक ले रहा है सबका, तो मैंने इसलिए उनको बोल दिया कि हमारा बहुत अच्छा फीडबैक है। तो ओके थैंक यू सर। इसके बाद में बाकी की सारी प्रोसेस जो भी रिकॉर्डिंग है मैंने ले ली थी। तो चलिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बाकी ये दो शब्द जो कि वीडियो के बाद में कहूँगा। जी 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 मैम, जानना चाहूंगी सर फेमस है में जो आपने शॉपिंग परचेजिंग करी है लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? जी मैम, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इनके साथ। तो थैंक्स फॉर फीडबैक सर। बताना चाहूंगी हमारी जो कंपनी है 24shops.com, जी सर ये भी एक शॉपिंग साइट है, शॉपिंग की जो मार्केट में न्यू लॉन्च हुई है तो कंपनी को भी ज्यादा लोग जानते नहीं आपके सिटी स्टेट राजस्थान में। हाँ जी जी, इसलिए सर हमारी जो कंपनी है आपके सिटी स्टेट में एक कॉन्टेस्ट, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है अपना प्रमोशन करने के लिए, कस्टमर रेशो इंक्रीज करने के लिए आपके सिटी स्टेट में, जिसके लिए सर आपके सिटी स्टेट से टॉप 10 कस्टमर्स का नाम नॉमिनेट किया गया है हमारे कॉन्टेस्ट के लिए। हेलो हेलो, जिसमें से एक नाम, हेलो 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 मैम, थोड़ा धीरे बोलिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गर्ल का गला बैठ जाए। हाँ तो धीरे बोलो, मैं समझ जाऊंगा, आप बार आराम से बोलो। ओके ओके सर, तो मैं बताना चाहती हूँ आपके सिटी स्टेट से ना टॉप 10 कस्टमर्स के नाम नॉमिनेट किए गए हैं उनके शॉपिंग पॉइंट के बिहाम पे, जिसमें से मिस्टर सलमान आपका भी नाम नॉमिनेट किया है हमारे कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी सर। ठीक है, आपका जो नाम नॉमिनेट किया गया है आपके शॉपिंग पॉइंट के बिहाम पे किया गया है क्योंकि सर मार्केट में गुडविल रेपुटेशन आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी भी साइट को लेकर के कोई नेगेटिव फीडबैक भी नहीं देखा गया सर। मैम ये तो आप ही बोल रहे हो बहुत अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं घटिया है। क्या सर जी, आप आप ही कह रहे हो बहुत अच्छा फीडबैक है हमारा हमारी तरफ से। सर हमारी कंपनी के साइट से नहीं देखा गया ना आप अपने नेगेटिव फीडबैक, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो आपका कंपनी तो अभी, आपकी कंपनी तो अभी आई है ना, तो अभी कैसे रहेगा? हमने तो कभी शॉपिंग नहीं, प्रीवियस टाइम में आपने जो शॉपिंग परचेजिंग की है उसके भी यहाँ पे आपको कॉल किया गया है। अच्छा, तो उस टाइम पे आपका कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देखा गया। अच्छा। हमारी कंपनी तो अभी सर प्रमोशन करा रही है इसलिए आपको कॉल किया गया है, आपके लिए आपके सिटी स्टेट से 10 कस्टमर के नाम नॉमिनेट किए हैं कंपनी ने। जी उनका नाम क्या है? कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है कस्टमर्स को। जी जी, उनके शॉपिंग पॉइंट्स के भी यहाँ पर। अच्छा, तो अभी सलमान जी आपको पता है कितने शॉपिंग पॉइंट्स हैं आपके? मेरे 85 है जी, 85 पॉइंट के साथ आपका
नाम नॉमिनेट किया गया है कॉन्टेस्ट के लिए। 85 पॉइंट को सर कॉन्टेस्ट में अपना 100 कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्राइज विन करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा कार। सेकंड आएंगे रॉयल एनफील्ड का बुलेट बाइक विन करेंगे। थर्ड आएंगे यमाहा का फर्स्ट स्कूटी विन करेंगे सर। ओके ठीक है। बाई चांस सर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आते तो भी वरिड नहीं होना है, कंपनी के जो 7 कस्टमर बच जाते ना सर उनके लिए भी कंपनी की। अरे आपने कॉल कर दिया अभी, हमें क्या, हमें अभी कुछ नहीं है, बस हमें नहीं आएंगे तो चलेगा सर। इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, कंपनी क्यों आपका नाम नॉमिनेट कर रही है, क्यों इतने सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करा रही है, ये सारी चीजें तो क्लियर कर सकते हैं ना सर। हाँ तो कर दो आप क्लियर क्या है। हाँ तो ये बता दो सर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक ना एक प्राइज यहाँ से लेके ही जाएंगे ठीक है, खाली हाथ नहीं जाएंगे। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिसके लिए सर आपको एक अमाउंट पे करना होता है 2499 का ठीक है। बट उस अमाउंट को लेकर भी वरिड नहीं होना है सर, जो अमाउंट पे करते हैं कंपनी उसके बदले भी आपको कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि एक रेवन कंपनी का सनग्लास, फास्टी कंपनी का वॉच, थ्री रीबुक टी शर्ट, टोटली ब्रांडेड प्रोडक्ट 1 ईयर वारंटी कार्ड के साथ आपको प्रोवाइड कराती है कंपनी, जिसके साथ सर आपका अमाउंट भी रिकवर हो जाता है, देन कॉन्टेस्ट में आपको एंट्री भी मिल जाती है ठीक। तो अभी जानना चाहूंगी सर आपको पता अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है उसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वायरी हो तो बी फ्रेंडली क्लियर कर सकते हैं सर, अमाउंट को लेकर, कॉन्टेस्ट को लेकर, कॉन्टेस्ट कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट कैसे इंक्रीज करेंगे, अमाउंट क्यों पे करना है, कंपनी श्योरिटी वगैरह क्या दे रही है, तो पूछ सकते हैं सर बी फ्रेंडली। जी एक क्वेश्चन तो है मेरा, पूछिए सर। मतलब आप इतना प्यारी कैसे बोल लेते हो सर, मैं मजाक कर रही हूँ भाई। नहीं मतलब आप बात बताइए, प्यार से बोल रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको मैं, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी मैम, लिटरली सच बोल रहा हूँ। हेलो मैम आपकी वॉइस काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच सर, बट एक बात बताइए सर। जी जी हमारे जो हमारी कंपनी की तरफ से आपका नाम नॉमिनेट किया गया है तो हम आपसे चिल्ला के बात तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है सर, अच्छे से ही बात करेंगे, आप अच्छे से समझाएंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। हाँ जी वो तो बात सही है। हाँ वही चीज है सर। हाँ तो अभी जानना चाहूंगे मिस्टर सलमान जी बाय प्रोफेशन क्या करते हैं सर आप, लाइक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है? जी हम यूट्यूबर है। यूट्यूबर है सर जी। ओके सर वेल एंड गुड, बेसिकली 18 प्लस होंगे ना सर? जी 18 प्लस तो होंगे ना। हाँ जी ठीक है सर। तो सर आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपकी जो कॉल अपने सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे मैम आप ही बात करो ना, मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, मुझे सीनियर से बात नहीं करनी। ठीक है सर, आप सर वेबसाइट वगैरह कैसे चेकआउट करेंगे बताइए? अब हमारे आपको कंपनी की सारी डिटेल्स वगैरह चेकआउट करा देती हूँ, कहाँ से बात कर रही हूँ, कंपनी कहाँ की है ठीक है, कंपनी कॉन्टेस्ट क्यों करा रही है, कहाँ पे कॉन्टेस्ट होगा, कब कॉन्टेस्ट होगा, वो सारी डिटेल्स करा देती हूँ आपको, तभी तो डिवाइस पे ऑनलाइन होंगे सर, लाइक फोन पर, लैपटॉप पर, पीसी पर। मैम हमारे पास सब है लेकिन हमें कंपनी से क्या, आप कहाँ से बात करिए वो बताओ ना सर। तभी तो आपको चेकआउट करा रही हूँ मैं, फर्स्टली सर 24shops.com से बात कर रही हूँ ठीक है। अभी मैं सेकंड ब्रांच दिल्ली ब्रांच से बात कर रही हूँ, मुंडगा से। हमारा जो हेड ब्रांच है कन्याकुमारी विवेकानंदपुरम में ठीक है। क्या बोला मैम, वेबसाइट वगैरह कैसे चेकआउट करेंगे सर, फोन पर, लैपटॉप पर? आपने क्या सर, आपने वो क्या बोला अभी वापस बोलो, वो एड्रेस कौन सा बोला है? सर अभी मैं दिल्ली ब्रांच मुंडगा से बात कर रही हूँ ठीक है, सेकंड ब्रांच से। हमारा जो हेड ब्रांच है हाँ जी विवेकानंदपुरम कन्याकुमारी में। अच्छा अच्छा विवेकानंद बोले आप? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वेबसाइट वगैरह कैसे चेकआउट करेंगे सर? मैं तो कैसे जी जी करा दीजिए आप, करा दीजिए करा दीजिए ठीक है। तो अभी आप फोन यूज करते हैं सर, फोन में अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिए। नहीं हमारे पास पीसी भी है, लैपटॉप भी है, आप बोलो उसमें कर देते हैं, किसमें करना बोलो आप सर? किसी में भी कर लीजिए जिसमें भी आपको सुटेबल लगे ना। तो मैं मुझे तो क्रोम में मजा आता है। उसमें गूगल क्रोम ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए www.xx.com। हाँ जी 2424
एक मिनट, शॉप्स shops.com। अरे मैम ये कुछ और हिस्ट्री खुल गई मेरी, रुको रुको एक मिनट। अरे ये हिस्ट्री कैसे क्लियर करेंगे अब, ये तो यार हमने क्या क्या देखा हुआ आज। अरे हो गया मैम, हो गया। हेलो मैम, अभी हेलो 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 हाँ हेलो हेलो, थैंक्स फॉर होल्डिंग अ लाइन। सो सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो? अरे अभी हमारे एग्जीक्यूटिव के पूछ। मैम मैम मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो उनसे बात कर रही है, वो आप अच्छे से समझा रहे थे मैं जो भी पूछ रहा था वो। ओके ठीक है। हेलो अरे मैम आप कहाँ चली गई थी? मैं अभी सब कुछ बंद करने वाला था, आप कहाँ चली गई थी? हाँ जी सर टाइप कीजिए। आप प्लीज जो यार मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो हेलो चल रही है। हाँ जी सर बोलिए। अरे मैम आप उनसे बात कराओ ना, कौन कौन बात कर रहा है? अरे वो अच्छे से समझा रही थी, मैं उनको जो भी पूछ रहा था वो एकदम पूरी डिटेल में बता रही थी। आप समझना चाहेंगे तो आप मुझसे भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? नहीं आप में वो मजा नहीं है ना। हाँ सर आपको मजा देने के लिए तो कोई कॉल नहीं आ रही है, फोन रखिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली आपने, तो आपको अभी पता चल गया होगा कि ये कैसा फ्रॉड हो रहा है मार्केट में अभी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जो भी रिलेशन वाले उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो फ्रॉड होने से बच, मतलब उनके साथ फ्रॉड होने से वो बच सके और उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। अभी आप दूसरी वीडियो बोली कि शेयर करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर भले करना, चाहे वो मेरी आप वीडियो देख रहे हो या ऐसे ऐसी कोई दूसरी वीडियो देख रहे हो किसी दूसरे चैनल की, तो ये वीडियो जरूर से जरूर आगे से आगे शेयर करनी चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।